हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे देखने वाली डॉल लेकर आया हूँ। ये कितनी क्यूट है, मुझे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रिंस रोहन। यूर वेलकम प्रिंसेस। Well, क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? फादर, एक बर्थडे पार्टी, वो भी प्रिंसेस के लिए, जहाँ मुझे इनवाइट नहीं किया गया। हो सकता है कि मेरा इनविटेशन गलती से किसी और के पास चला गया हो। मैं अपनी बर्थडे पार्टी में तुम्हें कभी इनवाइट नहीं करना चाहूंगी, चुड़ैल कहेगी। ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। एंड योर मैजेस्टी, आपको अपनी डॉटर को ये जरूर सिखाना चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। इसे थोड़ा रिस्पेक्ट सीखने की जरूरत है, वरना मुझे इसे सिखाना होगा। फादर, मुझे पता है कि इसी ने मदर की जान ली थी। शांत हो जाओ। तुम्हारी मदर का मौत का कारण वो हॉरिबल एक्सीडेंट था, बट ऑफ कोर्स उसका सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। रोज शांत हो जाओ, तुम्हें एंजेंड्रेस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। एंजेंड्रेस प्लीज, मेरी बेटी का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, उसे अकेला छोड़ दो। लगता है आपको समझ नहीं आया, इसे रिस्पेक्ट सीखने की बहुत जरूरत है और मैं इसे बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। नहीं, रुक जाओ। अब सारी मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रिंसेस के 18th बर्थडे पे उसे एक ब्राइट रेड रोज मिलेगा, और जैसे ही उसे वो रोज मिलेगा, वो अपनी उंगलियों को उस रोज में लगे हुए कांटों में चुभा लेगी, जो कि प्रिंसेस को हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देगा। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। फादर, क्या सच में अब मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं नहीं प्रिंसेस, मैं अपने साथ एक गुड फेरी को लाया हूँ, जिसने कहा है कि वो तुम्हें तुम्हारे कर्ज से बचाने में तुम्हारी हेल्प करेगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, पर मैं इसे कुछ हद तक ही रोक सकती हूँ। क्या मैं प्रिंसेस का हाथ देख सकती हूँ? सच कहूँ तो एन्चेंट्रेस का कर्ज प्रिंसेस का पीछा आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला, पर ये कर्ज प्रिंसेस के सोलमेट के ट्रू लव किस से टूट सकता है। योर मैजेस्टी, पर हम... मैंने कहा ना, इन सबको जला दो, हर एक रोज और हर एक रोज बुश का नाम और निशान मिटा दो। योर मैजेस्टी, पर हमारे लिए हर एक रोज और हर एक रोज बुश को ढूंढना इम्पॉसिबल है। तुम ठीक कह रही हो प्रिंसेस, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए कुछ डिसाइड किया है। रोज तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। पर फादर, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे पता है प्रिंसेस, पर ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है प्रिंसेस। और याद रहे, हम किसी को भी बता नहीं सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। पर प्रिंस रोहन, उसका क्या, मुझे उसे तो बताना ही होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ओह नो डियर, हम उसे भी नहीं बता सकते। इस समय हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अब चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रोज, हमें तुरंत इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। डियर प्लीज मेरे साथ चलो। आई लव यू माई प्रिंसेस, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। मुझे आपकी बहुत याद आएगी फादर। प्रिंसेस, क्या तुम्हें पता है कि आज क्या है? ऑफ कोर्स, आज मेरा 18th बर्थडे है, जिसका मतलब यह है कि आज मैं फाइनली घर जा पाऊंगी और फादर से मिल पाऊंगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अगर आज तुम सही सलामत रह के सारी परेशानियों से दूर रही, तो आज तुम्हारे कर्ज का लास्ट डे होगा। आज के बाद तुम अपने कर्ज से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाओगी। क्या मैं प्लीज थोड़ा आगे जाके फादर के लिए कुछ फ्लावर्स ला सकती हूँ? मैं उनसे टाइम बाद मिलूंगी। हाँ प्रिंसेस, तुम जा सकती हो, पर याद रहे, अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रेंजर दिखे तो तुम उससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगी। या अगर तुम्हें कोई रेड रोज बुश दिखता है? मुझे पता है, अगर मुझे कोई रेड रोज बुश दिखता है तो मुझे वहाँ से बहुत दूर भागना होगा। डोंट वेरी गुड फेरी, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो अभी भी मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। ओह वाह, वो फ्लावर्स तो बहुत ब्यूटीफुल है, फादर को वो बहुत पसंद आएंगे। ओह माय गॉड, ये कॉटेज तो बहुत सुंदर है। चलो अंदर जाके देखती हूँ कि अंदर क्या है। ओह नो, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ओह नो नो, मैं डरी नहीं, वो बस बात यह है कि तुम स्ट्रेंजर हूँ। हाँ मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वेल, मुझे सच में एक स्ट्रेंजर से बात करने की परमिशन नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। रुक जाओ, तुम मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही हो? ओह माय गॉड, रोज ये तो तुम हो। प्लीज तुम थोड़ा धीरे बोलो, वो तुम्हें सुन सकती है। मुझे पता था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ओह नो, अब तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। प्लीज ऐसे मत जाओ रोज, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये मैं हूँ प्रिंस रोहन। प्रिंस रोहन? हाँ ये मैं ही हूँ। मुझे लगा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे पता है, मुझे भी यही लगा था, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। नहीं प्रिंस रोहन, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तुम बस यहाँ से चले जाओ। तुम प्लीज किसी को बताना मत कि तुमने मुझे यहाँ देखा है। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता, मैं तुम्हें सेव करके ही रहूंगा। पर कैसे? तुम्हारा कर्ज तोड़कर, फिर एन्चेंट्रेस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पता है, पर तुम्हारा प्लान क्या है? और इसी तरीके से मैं उस वॉर्ड से एन्चेंट्रेस पे वार करके उसका खेल खत्म करने वाला हूँ। सुनकर तो ये लग रहा है कि ये काम कर जाएगा। रोज तुरंत घर वापस आओ। ओह नो, अब मुझे जाना होगा। रोज रुक जाओ,
रुक जाओ रोज, हम दोबारा कब मिलेंगे? मुझे नहीं पता प्रिंस रोहन, आई एम सॉरी पर मुझे अब जाना होगा। तुम्हें वापस आने में इतना टाइम क्यों लग गया रोज? वेल प्लीज मुझसे नाराज मत होना, पर मैं एक लड़के से मिली और मैं उसी के साथ थी। लड़के से? तो तुमने एक स्ट्रेंजर से बात की? नहीं नहीं, वो कोई स्ट्रेंजर नहीं था, हम पहले भी मिल चुके हैं। ओह नो, ये नहीं होना चाहिए था। अब तुम अपने फादर के पास वापस नहीं जा सकती। गुड फेरी, आप समझ नहीं रहे हो, वो लड़का बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो तो खुद मुझे एनचेंटर से प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का दोस्त प्रिंस रोहन था। रोज तुम समझ नहीं रही हो सकता है कि वो लड़का असल में एनचेंटरेस ही हो जो कि प्रिंस रोहन का भेस बदल के आई हो। नहीं, वो प्रिंस रोहन ही था, मैं बोल रही हूँ ना। माय डियर, मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, इसलिए हम कोई चांस नहीं ले सकते। कम ऑन, हमें फिर से छुपना होगा, लेट्स गो। प्लीज मुझे फादर से मिलने दो गुड फेरी, मैंने कितने सालों से इस दिन का इंतजार किया है। प्रिंसेस, अभी वहाँ जाना सेफ नहीं है, अब हमें यहाँ तब तक छुप कर रहना होगा जब तक तुम्हारा बर्थडे ओवर नहीं हो जाए। मैं थक गई हूँ ऐसे। अपनी आवाज थोड़ी नीचे करो। मुझे पता है प्रिंसेस, ये आसान नहीं है, पर अब बस थोड़ी देर की ही बात है। तुम यहाँ से बाहर मत जाना, मैं जल्दी लौटूंगी। मैं बाहर रहकर एनचेंट्रेस पर नजर रखने जा रही हूँ। रोज, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ, यहाँ पर आओ। हेलो डियर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है, इसे अपने हाथ में लो। ये कितना सुंदर है ना, बिल्कुल तुम्हारी मदर के जैसे। क्या तुम्हें वहां पर वो कांटा दिख रहा है? उसे टच करो। मैंने कहा उसे टच करो। तुमने मुझे इस दिन का बहुत इंतजार करवाया है प्रिंसेस। प्रिंसेस, तुम्हें आने में देरी हो गई। आई एम सो सॉरी, मैं उसे सेफ नहीं रख पाई योर मैजेस्टी। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, मैं इससे ज्यादा क्या मांग सकता था। अगर अब उसे पूरी जिंदगी सोते रहना पड़ेगा तो एटलीस्ट वो एक प्रिंसेस के अवतार में रहना डिजर्व करती है। मुझे रोजेस बहुत पसंद है और तुम्हें भी तो रोज बहुत पसंद है ना? क्या तुम पूछोगे भी नहीं कि मैं तुम्हारे टावर में घुस कैसे पाया? इंटरेस्टिंग, बस इतना जान लो कि अब तुम्हारे पापा का घड़ा भर चुका है। हम सब जानते हैं कि क्वीन की मौत के पीछे तुम ही हो, और अब मैं वो सेम चीज तुम्हें प्रिंसेस के साथ तो नहीं करने दूंगा। लेट मी टेल यू समथिंग, तुम्हारी प्रिंसेस वो अब नहीं रही। क्या? नहीं रिलैक्स, इसमें हम सबकी भलाई है, वैसे भी वो बहुत अनोइंग थी। तुमने जो किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ प्रिंस रोहन? वैसे सच कहो तो हाँ, एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकती हो। ये तुम्हें कहाँ से मिला? द ग्रोइंग स्वॉर्ड ऑफ विजडम, तुम अच्छे से जानती हो कि ये एक लौती चीज है जो तुम्हारा काम तमाम कर सकती है। तुम नादानी कर रहे हो। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस दिन का इंतजार किया है। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे अंदर जाना ही होगा, मुझे किंग से बहुत जरूरी बात करनी है। प्रिंस रोहन, योर मैजेस्टी प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। और इसी तरीके से मैंने एनचेंट्रेस को हराया और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपकी डॉटर का सोलमेट हूँ। क्या? मुझे यकीन नहीं होता, पर रोहन क्या तुम सच में मेरी डॉटर से प्यार करते हो? यस योर मैजेस्टी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें मेरी डॉटर का कर्ज तोड़ने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू योर मैजेस्टी। प्रिंसेस, हाँ ये काम कर गया, प्रिंसेस का कर्ज अब ओवर हो चुका है। गुड फेरी, थैंक यू सो मच, मैं आपको जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, आपने इतने सालों में मेरा बहुत ख्याल रखा है, ये मेरा फर्ज था डियर। हेलो प्रिंसेस, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम डांस में मुझे कंपनी देना चाहोगी? सच में ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है। बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें घर वापस देखकर कितना खुश हूँ। रोहन। यस योर मैजेस्टी। रोज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्रिंस रोहन ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? वेल कुछ चीजें, सबसे पहले तो ये मेरा ओल्ड गिफ्ट, क्या तुम्हें ये याद है? हाँ ऑफ कोर्स, मैंने इसे तुम्हारे लिए संभाल के रखा था, तुमसे वापस मिलने की उम्मीद तो मैंने खो दी थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों कहीं न कहीं मुझे अंदर से ये लगता था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मुझे आज भी याद है कि मैंने इस डॉल को तुम्हारे लिए क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मुझे तुम्हारी याद आई थी। मानना पड़ेगा मैं बचपन से ही काफी स्मार्ट था। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर जिस दिन तुम यहाँ से गए वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। तो उस दिन मैंने तुम्हारे फादर से कुछ प्रॉमिसेस किए थे। पहला प्रॉमिस तो ये कि मैं एनचेंट्रेस को हराने का तरीका कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्त करूंगा, और दूसरा प्रॉमिस ये कि जब तुम वापस आओगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए पूछूंगा। रोहन मैं, अगर तुम्हें ये बहुत जल्दी लग रहा है तो हाँ। ओह माय गॉड, आई एक्सेप्ट। ओह माय गॉड, क्या सच में? हाँ रोहन, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं
मैं अपनी लाइफ तुम्हारे सिवा किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकती। मैं तो वेट कर रहा था कि तुम कब यस बोलोगे प्रिंसेस। फादर सॉरी प्रिंसेस, शायद मुझे तुम दोनों की बातें ऐसे चोरी छुपकी नहीं सुननी चाहिए थी। सुनो सर, मेरी डॉटर का गेस्ट है।